हेलो एवरीवन, दिस इज समर खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसके व्लॉग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ फिर से मोती नगर शर्मागार हाउस। मेरे पीछे आप देख रहे हैं और ऑनर हमारे साथ है। सर, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बस सर, बढ़िया। तो सर, आज की वीडियो में कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने वाले? आज की वीडियो में सारा मिक्स सेगमेंट दिखाएंगे, स्मॉल बजट हैचबैक भी दिखाएंगे हम। ओके, डीजल वेरियंट भी दिखाएंगे बाहर के व्यूअर्स के लिए, हमारे जो दिल्ली के बाहर के लोग देख रहे हैं जी। हम SUVs भी दिखाएंगे। ओके, तो सारा एक मिक्स सेगमेंट होने वाला है, हर व्यूअर के लिए कुछ ना कुछ आज की वीडियो में होगा जी। सर, बेसिक प्राइस कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? बेसिक प्राइस जी हमारा आज अंडर 2 लाख से स्टार्ट करने वाले हैं हम। ओके, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि कुछ लग्जरी कार्स भी दिखाएं जी। तो वो एक मिक्स सेगमेंट होने वाला है। ओके सर, फाइनेंस फैसिलिटी सेम है अभी? फाइनेंस फैसिलिटी जी बिल्कुल सेम है सब, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनके लिए तो इजीली फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, और जो लोग अच्छी ITR वगैरह फाइल करते हैं जी, उनका भी हम फाइनेंस इजीली करवा देते हैं बैंक से। सर, डाउन पेमेंट कितनी पे देनी पड़ती है? जिनकी जी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, वो 10% डाउन पेमेंट पे भी ले जा सकते हैं। ओके, उनका 100% फाइनेंस भी हो जाता है। Okay. वैसे मिनिमम डाउन पेमेंट जो एवरेज प्रोफाइल है उसकी 30% के आसपास है। 30%? हाँ जी। ओके, तो सर फर्स्ट गाड़ी हम कौन सी देख रहे हैं? फर्स्ट जी सबसे पहले हम स्मॉल बजट हैचबैक दिखाने वाले हैं अपने व्यूअर्स को। ओके, जो कि i10 है, i10 2011 मॉडल दिखा रहे हैं जी। इस गाड़ी की स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ 44,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 44 फर्स्ट ओनर है, मैग्ना वेरिएंट है। ओके सर, अगर बात करें इस पे एवरेज क्या आती है पेट्रोल पे? पेट्रोल पे जी इसकी एवरेज आप मान के चलिए लगभग 14-15 के इजीली देती है आपको लोकल में। ओके, और हाईवे पे 16 के आसपास निकाल देती है। 16 के आसपास। सर, इसमें अगर फीचर्स की बात करें क्या क्या फीचर्स आता है? फीचर्स जी मैग्ना वेरिएंट है तो इसमें आपको चारों पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, AC बेसिक फीचर सारे मिलने वाले हैं। ओके, और गाड़ी न्यू शेप आई थी 2010 में, तो ये न्यू शेप वाली है, 2011 मॉडल है। ओके, तो फर्स्ट ओनर कार है और विद रिकॉर्ड 44,000 ड्रिवन है, इसकी खास बात है गाड़ी जी। सर, कोई गाड़ी में डेंट पेंट? सर, इसमें पेंट मतलब मान के चलिए थोड़ी बहुत टचिंग है, बट नॉन एक्सीडेंटल मिलेगी आपको। ओके, गाड़ी मतलब विद सर्विस रिकॉर्ड ड्रिवन है, नॉन एक्सीडेंटल है जी, ओनर फर्स्ट है जी। सर, क्या आस्किंग प्राइस होगा इस गाड़ी का? आस्किंग प्राइस इसका हम 190 डिमांड कर रहे हैं। ओके, और जो कि नेगोशिएबल है, एट द टाइम ऑफ डील हम उसमें कम कर लेंगे प्राइसेस थोड़ा बहुत जी। तो काफी अच्छी डील हो जाएगी दोस्तों फर्स्ट गाड़ी की आपकी। सर, सेकंड गाड़ी पे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड जी हमारी मारुति की सियाज दिखाने वाले हम अपने व्यूअर्स को। ओके, 2016 मॉडल है और डीजल में है ये। ओके, और टॉप वेरिएंट है इसका, मतलब ZDI जो इसमें आता है, पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील्स, एयरबैग्स, कम्युनिकेटेड सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल, सारे फीचर्स होने वाले हैं इसमें। सारे फीचर्स होने बिल्कुल बिल्कुल। सर, डीजल में अगर इसकी एवरेज की बात करें हम? डीजल में ये जी नॉर्मल जो गाड़ी होती है 20 की एवरेज के अराउंड देती है जी, बट इसकी स्पेशलिटी है ये हाइब्रिड है। अच्छा, तो हाइब्रिड होने की वजह से अगर आप गाड़ी को एक अच्छे एवरेज मेंटेन करके, स्पीड मेंटेन करके चलाते हैं जी, तो ये आपकी 25 के अराउंड भी एवरेज देती है हाइब्रिड होने की वजह से। ओके सर, गाड़ी में कोई डेंट पेंट व्हाइट कलर में? सर, इसमें बम्पर्स पेंट है इस गाड़ी में, फर्स्ट ओनर है ये भी, विद रिकॉर्ड 45,000 विद कंपनी रिकॉर्ड ड्रिवन है जी। सारे टायर्स कंपनी फिटेड ही है जो शोरूम से फिटेड आते हैं जी जी। तो वेल मेंटेन कार है, 2016 ZDI। सर, कोई आफ्टर मार्केट गाड़ी में? सर, ये मतलब जैसे कि ZDI वेरिएंट है तो इसमें सारे फीचर कंपनी फिटेड ही आते हैं जी, आफ्टर मार्केट लगवाने की कुछ जरूरत है नहीं गाड़ी में जी। तो फिर भी मतलब जैसे आप देख सकते हैं इसमें सीट कवर्स वगैरह काफी अच्छे लगे हुए हैं गाड़ी में। ओके सर, अगर आस्किंग प्राइस की बात करें? आस्किंग प्राइस जी इसका हम 6,10,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं जी, और शॉर्ट प्राइस इसका हम कोशिश करेंगे कि 5,80,000 रुपए के आसपास एक डील दे पाए अपने कस्टमर जी। तो 5,80,000 के आसपास दोस्तों इस गाड़ी की डील आपको मिल सकती है यहाँ पे शर्मा कार हाउस पे। तो सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी में। सर, नेक्स्ट गाड़ी हम ब्लैक कलर की कौन सी देख रहे हैं? नेक्स्ट जी हम 2012 मॉडल Volkswagen Vento दिखाने वाले हैं। ओके, 2012 है ये और गाड़ी सिर्फ 58,000 किलोमीटर के अराउंड ड्रिवन है जी, डीजल वेरियंट है। ओके, इसका भी टॉप वेरियंट है, हाईलाइन मॉडल आता है इसमें। ओके, ये हाईलाइन है ये। ओके, इसमें अलॉय व्हील्स, एयरबैग, कंपनी फिटेड सिस्टम, सारी चीजें इसमें मिलने वाली है कंपनी से जी। सर, जैसे हम इंटीरियर देख रहे हैं काफी क्लीन दिख रहा है, ब्लैक और क्रीम कलर का, कोई आफ्टर मार्केट चीज है इसमें? आफ्टर मार्केट सर इसमें हाईलाइन है ये भी, तो सब कुछ कंपनी फिटेड ही है इसमें सारी चीजें, और कम चली हुई है 12 मॉडल के हिसाब से, 58,000 विद कंपनी रिकॉर्ड ड्रिवन है जी, और सिर्फ बम्पर्स पेंट है इस गाड़ी के भी, बाकी सारी गाड़ी ओरिजिनल है जी। सर, ओनर क्या है गाड़ी? ये फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है, हाँ जी। अगर डीजल में आती है गाड़ी? डीजल में। क्या एवरेज आएगी डीजल? एवरेज इसकी डीजल में 18-20 की एवरेज देती है ये, 18-20। तो जो दिल्ली के बाहर के व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो अच्छी सेडान ढूंढ रहे हैं जी और कम प्राइसेज में ढूंढ रहे हैं जी, बहुत अच्छी गाड़ी है ये, Volkswagen Vento 12 मॉडल ले सकते हैं वो। ओके,
तो सर क्या आस्किंग प्राइस होगा इस गाड़ी का? आस्किंग प्राइस इसका 290 हम डिमांड कर रहे हैं जी, और कोशिश करेंगे 270-275 के आसपास डील दे पाए हम। ओके, तो 275,000 तक इसकी डील ये सर दे सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी इंटरेस्ट है इस गाड़ी में तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, कॉल कर सकते हैं। शर्मा कार हाउस मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, एड्रेस भी मिल जाएगा, आप विजिट करके पूरी ड्राइव वगैरह ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी डीलें मिल जाएंगी। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे। नेक्स्ट गाड़ी जी हम स्विफ्ट VDI दिखा रहे हैं, 2014 मॉडल है ये। ओके, और ये भी फर्स्ट ओनर कार है और गाड़ी अराउंड 67,000 किलोमीटर ड्रिवन है जी, और वेल मेंटेन्ड है। इसमें आफ्टर मार्केट अलॉयज वगैरह भी लगे हुए हैं जी, तो स्विफ्ट डीजल की वैसी काफ़ी डिमांड रहती है, काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो 2014 मॉडल फर्स्ट ओनर हम कम प्राइसेस में प्रोवाइड करा रहे हैं गाड़ी। सर ये स्विफ्ट कौन सी सबसे पहले वाली है? हाँ जी हाँ जी, ये सेकंड मतलब 2011 में ये शेप आई थी स्विफ्ट में, इससे पहले ओल्ड शेप आती थी। ओके, तो 2014 मॉडल है जी, फर्स्ट ओनर है, स्विफ्ट VDI है, 67,000 किलोमीटर ड्रिवन। सर अगर बात करें फीचर्स की तो क्या क्या फीचर्स होंगे? फीचर्स जी इसमें बेसिक फीचर्स सारे मिलेंगे आपको, और जैसे कि पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडोज और सिस्टम वगैरह इसमें लगा हुआ है। ओके, तो अंदर से आप देख सकते हैं जैसे कि थोड़ी सी इंटीरियर इसका मॉडिफाई कराया हुआ है, मॉडिफाइड हुआ इंटीरियर जी। सर ओनर फर्स्ट टाइम है गाड़ी? फर्स्ट ओनर है, 67,000 ड्रिवन है, और प्राइसेस भी काफी अट्रैक्टिव है इसके। क्या प्राइस होगा सर इस गाड़ी का? प्राइसेस जी इसके हम 370,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं जी, और कोशिश करेंगे 350,000 या उससे भी थोड़ा बहुत कम में हम इसकी डील प्रोवाइड करा रहे हैं जी। तो 370,000 रुपये आस्किंग प्राइस है, और 3,50,000 रुपये के आसपास इसकी डील हो जाएगी, जो सर लास्ट अपना प्राइस बता रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है जैसे कि मैं बोलता हूँ, नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो में, कॉल कर सकता है, शॉप पर विजिट कर सकता है। तो सर बढ़ते हैं यहाँ पे एक और नेक्स्ट गाड़ी पे, इको स्पोर्ट्स। ये जी इको स्पोर्ट बहुत ही मतलब डिमांडिंग कार है, काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं हमारे पास। ओके, तो 2014 मॉडल इको स्पोर्ट हम लेके आए हैं जी, और टाइटेनियम इसका वेरिएंट है जी, ये सेकंड टॉप वेरिएंट आता है इसमें। ओके, तो खाली पुश बटन और एक दो फीचर्स को छोड़ के बाकी सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। ओके, जैसे कि आपको कंपनी फिटेड सिस्टम मिलेगा, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलेंगे, फॉग लैंप्स मिलेंगे जी, सारे फीचर्स आपको सिर्फ पुश बटन स्टार्ट और एक आधा फीचर छोड़ के सारे फीचर मिलेंगे इसमें जी। सर व्हाइट कलर कोई डेंट पेंट गाड़ी में? नहीं नहीं सर, पेंट इसमें बम्पर्स वगैरह पेंट है, बाकी रेस्ट कार पूरी ओरिजिनल है आपकी। ओके, और इसमें मतलब आप ये समझ लीजिए विद कंपनी रिकॉर्ड 67,000 ड्रिवन है। ओके, और गाड़ी मतलब जो लोग भी इको स्पोर्ट एक अच्छी गाड़ी देख रहे हैं और कम प्राइसेस में देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी कार होने वाली है। अच्छी कार होने वाली है। सर कोई आफ्टर मार्केट चीज़ है गाड़ी में या सारी कंपनी फिटेड? टाइटेनियम वेरिएंट है, इसमें आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा हुआ, सब कंपनी फिटेड ही है सारी चीज़ें, ना ही इसमें लगवाने की जरूरत है क्योंकि इसमें फीचर सारे आते हैं जी। सर डीजल में क्या एवरेज आएगी गाड़ी में? एवरेज जी इसकी डीजल की आप मान के चलिए लगभग 14 के अराउंड इसकी एवरेज रहती है, 13-14 के अराउंड, 13-14 के आसपास। इंजन में कोई दिक्कत मैकेनिकल? सर मैकेनिकल कोई दिक्कत किसी भी गाड़ी में नहीं होने वाली जी, हम जो गाड़ियाँ यहाँ पे अपने कस्टमर्स को देते हैं वो रेडी टू यूज देते हैं, उन्होंने सिर्फ फ्यूल भराना है और गाड़ी चलानी है और कुछ भी नहीं करना। तो सर क्या आस्किंग प्राइस होगा इस गाड़ी का? आस्किंग प्राइस जी इसका हम मान के चलिए 4.5 लाख रुपए हम इसकी डिमांड कर रहे हैं जी, और वो भी नेगोशिएबल है, कोशिश करेंगे 4.30-4.35 के आसपास हम प्रोवाइड भी करा देंगे जी। तो सर ने फिर से बता दिया इस गाड़ी का दोस्तों आपको प्राइस 4,35,000 के आसपास इस गाड़ी की डील हो सकती है यहाँ पर। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे। नेक्स्ट गाड़ी जी हम आपको 2012 मॉडल XUV500 दिखाने वाले हैं, और ये टॉप वेरिएंट है इसका, W8 है, और गाड़ी लगभग 80,000 के अराउंड ड्रिवन है। okay, और फर्स्ट ओनर है, गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, आप देख सकते हैं गाड़ी को, जैसे बम्पर्स वगैरह पेंटेड है बट नॉन एक्सीडेंटल मिलेगी आपको। ओके, और सर इस W8 में क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं? इसमें जी ये 2012 का टॉप वेरिएंट है, इसमें अलॉय व्हील्स, नेविगेशन और कंपनी फिटेड सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल, सारे फीचर्स आए थे इसमें। और मगर अब जो फिलहाल इसका आ रहा है उसमें सनरूफ भी आ रहा है टॉप वेरिएंट में, उस टाइम ये W8 टॉप वेरिएंट आता था इसमें। जी सर अगर टायर देखें कितने परसेंट होंगे अभी? टायर जी इसके 50% अबव हैं, तो टायर्स भी जो हमारे कस्टमर लेना चाहते हैं उनको डलाने की जरूरत नहीं है, अभी 20,000 किलोमीटर तक वो ऐसे ही चला सकते हैं जी। सर कुछ आफ्टर मार्केट है गाड़ी में? आफ्टर मार्केट जी इसमें लगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉप मॉडल है W8, बाकी सनरूफ को छोड़ के बाकी सारे फीचर्स इसमें आते ही आते हैं इसमें जी। सर डीजल में क्या एवरेज आती है इस गाड़ी में? डीजल में जी इसकी एवरेज 13 के अराउंड रहती है, 12-13 की एवरेज देती है XUV500। ओके, तो 12-13-14 की इनोवा जैसी एवरेज है इसकी जी, तो इतनी एवरेज XUV500 देती है नॉर्मली जी। सर ओनर फर्स्ट होगी? ये फर्स्ट ओनर है और अच्छी वेल मेंटेन्ड कार है और प्राइसेस में भी काफी अट्रैक्टिव है ये जी। तो सर क्या आस्किंग प्राइस होगा इस गाड़ी का? इसका जी 475 आस्किंग है। ओके, और कोशिश करेंगे 460 या 450 के अराउंड इसकी डील करा दें हम जी।
तो 4.5 लाख तक की इसकी डील हो सकती है सर। कोशिश करेंगे कि 4.50-4.60 के बीच में इसकी डील हो जाए जी। सर पेपर वगैरह सारे कंप्लीट है? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो हम NOC प्रोवाइड करा देंगे अदर स्टेट्स के हमारे कस्टमर्स के लिए। ओके, वो अपने स्टेट में ले जाके इसको रजिस्टर करा सकते हैं। ओके सर, फाइनेंस हो जाएगा क्या इस गाड़ी पे? बिल्कुल जी बिल्कुल, फाइनेंस भी 2 साल के लिए हो जाएगा फिलहाल दिल्ली में। ओके, और फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है इस गाड़ी जी। तो काफी अच्छी प्राइस में आपको दोस्तों 2012 XUV 500 मिल जाएगी। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी। बिल्कुल, नेक्स्ट गाड़ी जी हम आपको 2020 मॉडल हुंडई वेन्यू दिखाने वाले हैं, जो कि आज की रेट में बहुत डिमांडिंग कार है, और 2020 में ही हम 2020 मॉडल प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। ओके, ये पेट्रोल वेरिएंट है, SMT टर्बो इसका मिडल वाला वेरिएंट है ये। ओके, 1.0 इसकी इंजन कैपेसिटी है जी, और गाड़ी काफ़ी कम प्राइजेस में प्रोवाइड कराने वाले हैं, जैसे कि इसका नई का प्राइस 9.70 के आसपास है। ओके, और हम ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने वाले हैं 8,25,000 रुपये हम डिमांड कर रहे हैं। 8,25,000? हाँ जी हाँ जी, सिर्फ 5-6 महीने पुरानी गाड़ी है जी, और जैसे जो लोग नई लेने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा इसमें रहेगा, मतलब 2020 मॉडल ही है, सेम ईयर मॉडल मिल रहा है उनको। Okay, और लगभग 1.5 लाख रुपए का ब्रेक मिलेगा उनको जी। सर यूपी 12 कहाँ का नंबर है? ये मुजफ्फरनगर का नंबर है यूपी में। तो यूपी के कस्टमर जो नई गाड़ी वेन्यू लेने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी डील रहेगी ये जी, और 8-25 डिमांड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसमें भी 10-15 हज़ार रुपए और कम करा दें जी। सर ड्रिवन क्या हुई होगी गाड़ी? ये सिर्फ 6,000 किलोमीटर ड्रिवन है। 6,000? हाँ जी हाँ जी। ऑनर तो फर्स्ट ही होगी? बिल्कुल फर्स्ट ऑनर है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है, नेक्स्ट टू शोरूम कार है जी। तो वेन्यू जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर है, वो ले सकते हैं हमारे पास। तो काफी अच्छा प्राइस में आपको दोस्तों ब्रांड न्यू वेन्यू मिल जाएगी व्हाइट कलर की। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी। नेक्स्ट जी हम 2010 मॉडल i20 लेके आए हैं, मैग्ना वेरिएंट है, और अच्छी वेल मेंटेन्ड कार है पेट्रोल की। तो जो लोग पेट्रोल की एक अच्छी हैचबैक लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है ये जी, और गाड़ी अराउंड 68-69,000 ड्रिवन है जी, और देख सकते हैं हम जैसे वेल मेंटेन्ड है, कोई स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी के ऊपर। ओके, और गाड़ी मतलब अच्छी हैचबैक कम प्राइसेस में हम i20 जैसी प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं गाड़ी में? फीचर जी इसमें चारों पावर विंडो, कम्युनिकेटेड सिस्टम, पावर स्टेयरिंग, AC सब कुछ होता है इसमें, बेसिक फीचर सारे होंगे इसके। ओके, आजकल गाड़ी में कोई डेंट पेंट? हाँ जी, टचिंग हल्की फुल्की इसमें कराई हुई है, बट नॉन एक्सीडेंटल मिलेगी कार आपको। ओके, और मतलब कम चली हुई अच्छी गाड़ी है, मतलब 2010 के हिसाब से 68,000 मतलब कम चली हुई गाड़ी मानेंगे हम इसको जी जी। सर ऑनर क्या होगी गाड़ी? ये सेकंड ऑनर है जी। सेकंड ऑनर? हाँ जी हाँ जी। सर अगर एवरेज की बात करें, क्या एवरेज आती है गाड़ी? एवरेज जी i20 की 12 के अराउंड रहती है पेट्रोल की एवरेज। ओके, तो एक अच्छी हैचबैक है, मतलब प्राइजेस में काफी अट्रैक्टिव है, इस वजह से जो लोग एक कॉम्पैक्ट हैचबैक देख रहे हैं जी और कम प्राइसेस में देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ओके सर, क्या आस्किंग प्राइस होगा गाड़ी का? आस्किंग प्राइस जी इसका हम 185 रखा है हमने, 1,85,000। हाँ जी हाँ जी, और उसमें भी हम नेगोशिएट करेंगे, 70-75 के आसपास हम i20 दे देंगे। ओके, जिस रेट में आपको 2010 i10 मिलती है हम आपको i20 उस रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो काफी अच्छी कंडीशन में आपको दोस्तों i20 मिल जाएगी 1,85,000, इसमें भी प्राइस नेगोशिएबल? बिल्कुल, 1,85,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं और नेगोशिएबल है वो भी। कस्टमर्स हमारे पास आएंगे तो 1,75 के आसपास कोशिश करेंगे डील करा देंगे। ओके, तो सर बढ़ता है नेक्स्ट गाड़ी पे। नेक्स्ट गाड़ी जी हम इनोवा क्रिस्टा आपको दिखाने वाले हैं। 2016 मॉडल है ये, और इसका मिडल वेरिएंट GX ऑटोमेटिक में है ये। तो GX वेरिएंट इनोवा क्रिस्टा ऑटोमेटिक में 2016 है, और वेल मेंटेन्ड कार है, अराउंड 65,000 के अराउंड ड्रिवन है। ओके, और मतलब सिर्फ बम्पर्स इसके रिपेंटेड है, बाकी सारी गाड़ी ओरिजिनल पेंट की है जी। तो जो एक लोग अच्छी क्रिस्टा ढूंढ रहे हैं, वेल मेंटेन्ड कम प्राइसेस में ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसके हम प्राइसेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिमांड करने वाले हैं इसकी जी, ताकि हमारे कस्टमर्स फटाफट से आके ले सकें इसको जी। सर क्रिस्टा में अगर बात करें, क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं? सर GX है इसमें, काफ़ी फीचर्स इसमें इनोवा क्रिस्टा में आए हुए हैं, जैसे कि कंपनी फिटेड सिस्टम इसमें है, इसमें आपका मतलब स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। ओके, पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडोज, मतलब बेसिक फीचर से ज़्यादा भी काफ़ी कुछ है इसमें जी। तो GX वेरिएंट है, साथ में ऑटोमेटिक होने का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके, क्योंकि इनोवा जैसी गाड़ी ऑटोमेटिक की एक अलग ही ड्राइव होती है जी। सर अगर बात करें ओनर की, तो कौन है ये जी? इसका ओनर सेकंड है इसका, मगर प्राइजेस में जितने ओनर की वजह से सेकंड है होने के बाद भी प्राइजेस में बहुत अट्रैक्टिव है ये जी। सर क्या प्राइस होगा? जैसे 16 मॉडल क्रिस्टा के ज़्यादातर आप मार्केट में सुनेंगे ऑटोमेटिक के लोग 16-15 लाख रुपए डिमांड करते हैं। ओके, हम इसकी सिर्फ 13 लाख रुपए डिमांड करने वाले हैं। 13 लाख? हाँ जी हाँ जी। और इसमें प्राइस नेगोशिएबल होगा? उसमें भी नेगोशिएबल है, 13 लाख में भी हम प्राइजेस कम कर लेंगे एट द टाइम ऑफ डील। गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल मिलेगी,
और विद कंपनी रिकॉर्ड्स ड्रिवन मिलेगी आपको, मीटर टेम्पर्ड इसमें नहीं मिलेगा। ओके, तो जो लोग इनोवा क्रिस्टा अच्छे प्राइसेस में ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है जी। तो दोस्तों काफी अच्छी अच्छी डील दी आज सर ने यहाँ पे। तो सर इस वीडियो की लास्ट गाड़ी थी ये? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारी आज लास्ट गाड़ी थी इस वीडियो की। ओके, और ऐसी कोशिश करेंगे अपना अच्छे से अच्छा स्टॉक प्रेजेंट करने की अपने व्यूअर्स के लिए जी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।